ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चेन है और आप देख सकते हो कि ये एक सरफेस है जो कि रफ सरफेस है, एक रफ सरफेस है और ये एक चेन पड़ी हुई है कुछ ऐसे, और कुछ चेन का पार्ट रफ के ऊपर भी, और चेन की जो लेंथ है वो एल है और ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, स्मूथ है, रफ है और एक्स पोर्शन जो है वो चेन का रफ के ऊपर पड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन है कि एट एनी इंस्टेंट एक्स लेंथ रफ के ऊपर है एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स पी इज अप्लाइड, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, पी अप्लाई कर रहे हैं, और इन द ड्यूरेशन एक्स चेंजेस फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू एल, थोड़ी देर बाद एक्स एल के इक्वल हो जाएगा, पूरी की पूरी चेन रफ सरफेस के ऊपर आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि इस केस में फॉर चेन टू मूव विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, तो चेन को कॉन्स्टेंट स्पीड से अगर मूव करवाना है तो ऐसे केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या होगा, किसमें ए, क्यों, बिल्कुल होता जा रहा है, फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सही, जैसे जैसे ये चेन रफ के ऊपर आती जा रही है इस पोर्शन पे मास बढ़ता जा रहा है तो यहाँ की फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ती जा रही है, तो आपको पी को भी उसके हिसाब से मूव करवाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जैसे अगर फ्रिक्शन फोर्स पहले 1 न्यूटन है वो 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, बढ़ती जाएगी जैसे चेन रफ के ऊपर आ रही है, तो पी की वैल्यू भी आपको उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी ताकि नेट फोर्सेस के ऊपर 0 हो जाए और एक्सेलरेशन ना आए और चेन मूव करे विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर एक कॉन्स्टेंट फोर्स हो जाएगी उसके बाद भी, हाँ फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगा जब पूरी चेन रफ के ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, एक सपोज, लेट अस सपोज ये एक स्मॉल रिंग पी है और इन द फॉर्म ऑफ अ बेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर एट ओ, तो इसका जो रेडियस है वो ए है और ए रेडियस है और सेंटर इसका ओ है, एंड अ वायर इज रोटेटिंग विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो ये एक वायर है, ये वायर है और ये ओमेगा की स्पीड के साथ गोल 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 घूम रही है, वाइल द रिंग रिमेन्स एट रेस्ट रिलेटिव टू द वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ ए बाई टू, तो यहाँ पर एक रिंग है और एक रिंग स्लाइड भी कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें स्लाइड कर सकती है, पर ये ए बाई टू पे किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट पड़ी हुई है, तो मुझे पता है कि इसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, इसमें ना वर्ड नॉर्मल रिएक्शन होगा, कैसे कि यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से पास करेगा, टूवर्ड्स सेंटर पास करेगा, और इसके अंदर अगर ये एंगल वर्टिकल के साथ थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, तो ये हो जाएगा एन इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा n into sin theta और ये इसका वेट हो जाएगा mg, तो इसके अंदर ये जो रिंग है ये अपने ही रेडियस में सर्कल में मूव करती जा रही है ऑफ रेडियस a by 2, तो इस क्वेश्चन में n cos theta किसके इक्वल हो जाएगा, mg, इक्वेशन नंबर 1, और n sin theta will be equal to m into r, r की जगह a by 2 into omega का स्क्वायर, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसमें, और n sin theta सेंटर बेटा लाइन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं 2/1, तो tan थीटा की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी m इंटू ए स्क्वायर बाय 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय m इंटू g, m से m क्या हो गया कैंसल, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक, ए स्क्वायर बाय 4, ओ एम आर ओमेगा स्क्वायर, आई एम सॉरी एम आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो m इंटू ए बाय 2 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक, तो इसमें अब आपको tan थीटा की वैल्यू चाहिए, यहाँ से साफ पता लग रहा है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना ए, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 यानी कि 30 डिग्री, तो टैन थीटा में थीटा को टैन ऑफ 30 डिग्री इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई कितना 2g, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है, ओमेगा निकाल लेना, ऑप्शन नंबर आ रहा है इसमें सी, ठीक है यहाँ तक, तो ऑप्शन नंबर सी, थीटा साइन 30, स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग के साथ टाइट थोड़ी ना रिंग, वो तो बस घूमने की वजह से वो रेस्ट पे है, वो तो वैसे ही फंसी हुई है रिंग के अंदर ना, सर्कल के अंदर, सो इसमें जो नेक्स्ट है उसके अंदर आप ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्ट,
किया हुआ ऐसा लगता है मुझे। हाँ तो एक बॉडी ये है, एक और ये दो और ये कितना आंसर आ रहा है इसका, ए आ गया। हाँ ठीक है, तो ये हमने किया हुआ है, ये लेंथ एल है, ये एल है और ये भी एल है, और मैंने शायद बताया हुआ है कि ओमेगा की वैल्यू सबके लिए क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ की जो वेलोसिटी है वो आपके पास वेलोसिटी वी इक्वल टू आर ओमेगा, या कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर यहीं तक रहने दो। टेंशन इसमें गिवन ही है आपको, तो टेंशन यहाँ पर टी वन एंड टी वन गिवन है, और यहाँ पर टेंशन टी टू एंड टी टू हो जाएगी, यहाँ टेंशन टी थ्री एंड टी थ्री हो जाएगी। मास सबका बराबर ही है, आपको टेंशन की रेशियो निकालनी है, तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी टी थ्री एम इंटू थ्री एल इंटू ओमेगा का स्क्वायर लास्ट के लिए। इसके लिए क्या बनेगा, टी टू माइनस टी थ्री एम इंटू टू एल इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और इसके लिए क्या बनेगा, टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू एम इंटू एल इंटू ओमेगा का स्क्वायर। इन्हें डिवाइड कर लो या सॉल्व कर लो, टी वन टी टू टी थ्री की रेशियो आ जाएगी। यहाँ टी थ्री पुट कर लो तो टी टू आ जाएगा, टी टू पुट करोगे टी वन आएगा। उसे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी आ गया, डी। तो इसमें आप चेक कर सकते हो कि दो मासेस हैं, एक मास तो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, दूसरा मास स्ट्रिंग के साथ यहां पर कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, दूसरा मास यहां पर कनेक्टेड है, तो कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं सच दैट कि इसकी जो लेंथ है ये L1 है और ये लेंथ कितनी है, L2 है, मतलब होल है कोई, इसमें से होल में से एक स्ट्रिंग निकली हुई है, तो ये जो है ये सर्कल टेबल के ऊपर ही बना रहा है मास, और ये नीचे कॉनिकल पेंडुलम बना रहा है, कुछ ऐसे इकट्ठे चल रहा है, ठीक। तो इसके अंदर जो टेंशन है टी है, टेंशन आप इसमें टी ले सकते हो, तो टेंशन विल रिमेन सेम टी एंड टी, और यहाँ पर वर्टिकल के साथ लेट अस सपोज एंगल थीटा, तो ये भी कितना थीटा, तो ये टी इंटू कितना कॉस थीटा, और इस तरफ टी इंटू कितना साइन थीटा, और ये वेट कितना एम जी। ठीक, तो ऊपर वाले जो टेबल के ऊपर पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, उसमें टेंशन क्या होगी, m इंटू एल वन इंटू ओमेगा का स्क्वायर, दोनों के दोनों ओमेगा से नहीं घूम रहे, ओमेगा वन होगा इसमें, हाँ ये ओमेगा वन से घूम रहे और नीचे वाला ओमेगा टू से, स्पीड ऑब्वियसली अलग ही होगी इनके घूमने की। तो फर्स्ट इक्वेशन तो क्लियर ही है, और सेकेंड इक्वेशन के अंदर टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम मास इंटू आर, आर का मतलब ये लेंथ लेनी पड़ेगी अपने को, ये वाली, क्योंकि इसका रेडियस ये होगा, तो अगर ये L2 है, ये थीटा है, तो ये L2 इंटू साइन थीटा हो जाएगा, तो M L2 साइन थीटा इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। तो इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू दोनों टेंशन की वैल्यूज हैं, एम इंटू एल वन इंटू ओमेगा का वन का स्क्वायर इज एम इंटू एल टू इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो यहाँ से ओमेगा वन स्क्वायर बाय ओमेगा टू स्क्वायर की जो रेशियो आएगी, l2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, l1 आ जाएगा, या उल्टा कर लो, ओमेगा टू स्क्वायर बाय ओमेगा वन स्क्वायर इज इक्वल टू l1 डिवाइडेड बाय l2 इज द आंसर।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर लेट अस सपोज ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक बस कोने पे लगा हुआ है और ये पूरा अरेंजमेंट जो है सर्कल में मूव कर रहा है, तो एक इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ एम जी, नॉर्मल रिएक्शन एन, और दूसरा ये ड्रम है या ट्रे है जिसके अंदर ये सिस्टम घूम रहा है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी कितनी, एम वी स्क्वायर बाई कितनी आर। ठीक, तो बेसिकली इसमें दो दो रिएक्शंस लगेंगे, एक तो ग्राउंड की वजह से और एक सेंट्रीफ्यूगल की वजह से। ठीक, तो दो दो फोर्सेस लगेंगी आपको, ये इसमें बताना है कॉन्टैक्ट फोर्स रिसीव्ड कितनी है, तो कुछ भी ले लो कॉन्टैक्ट फोर्स में, ये भी एक फोर्स लग रही है, ये भी लग रही है, या तो इनका वेक्टर सम ले लो या इनका वेक्टर सम ले लो, बात तो एक ही है। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी इक्वल टू एम जी का स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। तो यहां से कॉन्टैक्ट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, जो कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। आ गया आंसर ये वाला, उससे नेक्स्ट हो गया सिक्स्थ बी, ट्राई करो। मैं हिंट देता हूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा।
देखो इसमें इस क्वेश्चन में हो जाना चाहिए था वैसे, मुझे पता नहीं। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर। ठीक, तो एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया और सच दैट उसकी जो स्पीड है वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी इन टू आर के हिसाब से, एंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आपको इसमें म्यू इज इक्वल टू 0.5 गिवन है। तो इस केस में द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू व्हाट, तो ये आपके सामने कुछ एक डायग्राम सा बना हुआ है। ये वी नॉट इसकी स्पीड है और ये जो रेडियस है, ये टोटल रेडियस सरफेस का कितना है, आर है। अब इस केस में एक एक्सेलरेशन तो मुझे मालूम है क्या होगी, वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल तो होगी ही होगी, सर्कल के अंदर बॉडी मूव कर रही है। अब क्या इसमें टेंजेंशियल होगी कि नहीं होगी, होगी। वैसे अगर यहां फ्रिक्शन ना होती फिर नहीं टेंजेंशियल थी, फिर तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, पर फ्रिक्शन की वजह से वो स्लो डाउन हो जाएगा और फ्रिक्शन इसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगी, और फ्रिक्शन कितनी रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगी, म्यू टाइम्स एम जी। तो यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ही क्या प्रोवाइड करेगी, टेंजेंशियल रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन की जगह वर्ड रिटार्डेशन बोल दें तो यानी कि स्पीड तो चेंज होगी, ये तो बात पक्की है। तो इसका मतलब म्यू टाइम्स एम जी ग्राउंड के ऊपर इज इक्वल टू एम इन टू टेंजेंशियल, एम से एम कैंसल, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसमें कितनी आ जाएगी, म्यू इन टू जी। तो बस ठीक है, तो इसमें नेट एक्सेलरेशन क्या होगी, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर म्यू इन टू जी का होल स्क्वायर और सेंट्रीपिटल के अंदर वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो और इसमें जब सॉल्व करोगे वैल्यूज को पुट करके आपके पास वी की वैल्यू जो भी है वी यहाँ पुट कर देना वी नॉट का, वी नॉट की जगह, तो आपके पास आंसर आएगा बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आएगा। और दूसरी चीज, ये जो एरो बना हुआ है लेफ्ट की तरफ वो क्या शो कर रहा है, एरो ये शो कर रहा है पार्टिकल तो आगे की तरफ जा रहे हैं पर ये देखो रिटार्डेशन कहाँ होगी इसकी, टेंजेंशियल पीछे, देखो एक्सेलरेशन नहीं है, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती तो डायरेक्शन आगे होती, रिटार्डेशन है तो डायरेक्शन पीछे है। तो ये ए टी है, ये ए सी है, इनका जो वेक्टर सम है वो क्या होगा इस तरफ, तो इसलिए जो एरो है वो आपके उसमें ऑप्शन में बी ऑप्शन में इस तरफ बना हुआ है, यानी कि रिजल्ट एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता रहा है एरो। ठीक है यहां तक, क्वेश्चन नंबर 7 में ये एक जो है रोड है और ये कार है जो इसके ऊपर जा रही है, टर्न ले रही है और एयर की रेजिस्टेंस है इसमें, जो एयर की रेजिस्टेंस है वो पीछे की तरफ है और अपोज कर रही है। विच ऑफ द अदर फोर्स शोन बेस्ट रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ द रोड ऑन द कार टायर, का एफ ऑफ ए क्यों, टुवर्ड सेंटर होता है, बिल्कुल ठीक, जो फ्रिक्शन हो, देखो ये सेंटर है, फ्रिक्शन कहाँ, देखो ये ना पहली बात तो टॉप व्यू है कार का, कार ऐसे नहीं जा रही, एम जी मत लगाना, ये ऐसे टर्न ऐसे है, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल को ऐसे देख रहे हैं, तो कायदे से बिल्कुल ठीक कह रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होनी चाहिए, सेंटर की तरफ होनी चाहिए थी, सही है, लेकिन तब जब यहाँ पर एयर की रेजिस्टेंस ना हो, तो एक ही फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करती है वो है फ्रिक्शन, पर जब आप एयर की फ्रिक्शनल फोर्स लेते हो तो आपको नेट फोर्स सेंट्रीपिटल कहाँ चाहिए या सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ चाहिए टुवर्ड सेंटर, तो आपको फ्रिक्शन को थोड़ा सा टेढ़ा लेना पड़ेगा, फ्रिक्शन क्यों टेढ़ा लेना पड़ेगा, ताकि इसका रिजल्टेंट कहाँ आ जाए टूवर्ड्स सेंटर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा टूवर्ड्स सेंटर, तो फ्रिक्शन फोर्स जो बनेगी एफ ऑफ बी बनेगी, एफ ऑफ ए नहीं बनेगा। ठीक है यहाँ तक, तो एफ ऑफ बी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी इसमें। उसे नेक्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर आ गया। फ्रिक्शन एफ बी होगी।
जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में, बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ये पॉइंट बी है जब इसकी वेलोसिटी वी है, ये पॉइंट ए है जब इसकी वेलोसिटी वी है, और रेडियस इसका कितना है आर। हॉरिजॉन्टल सर्कल है, वर्टिकल नहीं है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मली लोग वेलोसिटी डिफरेंट ले लेते हैं, उसने वर्ड लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। देखने में क्वेश्चन वर्टिकल लगते हैं पर होते हॉरिजॉन्टल, टॉप व्यू बनाता है वो जान के, तो देखना जरूरी है। तो व्हाट इज द एवरेज नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड बाय द सर्कुलर वॉल्स ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द मोशन ए बी। तो ए से लेके बी तक पहले चेंज इन मोमेंटम निकाल लें, ए से लेके बी तक चेंज इन मोमेंटम इज एम वी माइनस माइनस एम वी, कितना 2mv, क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ तो 2mv, ठीक। और आपको जो फोर्स निकालनी है दैट इज टोटल एवरेज फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम हमारे पास है 2 into mv, और टाइम क्या होगा यहाँ से यहाँ आने का, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है पाई आर, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है वी। सॉल्व करना तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ गया। डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है यादव। लास्ट क्वेश्चन हो गया डी, डी ठीक है निकल गया। उसके बाद टाइम, अच्छा आपने वो वैसे निकाल लिया, वैल्यू नहीं निकाल ली, वैसे ही पता लग गया। वैल्यूज में ना एक चीज इंपॉर्टेंट है वो दिखाना है। देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या गिवन है, आप चेक कर सकते हो कि जो ए कार है, ये ए कार है, ये सीधा जाती है और मुड़ती है और वापस यहाँ पर आ जाती है, और जो बी कार है वो सीधा जाती है, मुड़ती है और यहाँ पर वापस आ जाती है। तो इसमें म्यू ऑफ ए आपको क्वेश्चन में गिवन है, म्यू ऑफ बी आपको क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस ऑफ ए आपको क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस ऑफ बी भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, सच दैट अगर ये सेमी सर्कल है तो ये जो है ये रेडियस ऑफ ए है, ये जो है ये रेडियस ऑफ बी है, और क्वेश्चन के अंदर ये जो लेंथ है एल, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, 100 pi है ये, 100 meter नहीं है, ये 100 pi है, दिस इज इक्वल टू 100 pi, ठीक। कुछ भी ले लोगे तो 100 ले लोगे तो भी हमने कुछ, हमें तो कंपैरिजन ही करना है, बट वैसे ये 100 pi है एग्जैक्टली, ठीक। तो इसमें सबसे पहली चीज, जब कोई कार देखो टर्न ले रही है सर्कल में कौन हेल्प करेगा, फ्रिक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ ए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, न्यू टाइम्स आर ऑफ ए इंटू जी, ये फॉर्मूला आएगा फ्रिक्शन की वजह से। वेलोसिटी ऑफ बी कैलकुलेट कर लेना, ये ए ले लेना, ये बी है, आर ऑफ बी इंटू जी, तीनों वैल्यूज को पुट कर लोगे, वी और वी भी आ जाएगा, वी ए की वैल्यू पुट करने के बाद 10 meter per second आएगी और इसकी आएगी 20 meter per second, वी एंड वी बी की वैल्यू आ गई, ठीक है यहां तक। तो अगर मुझे टाइम टेकन बाय ए निकालना है, टाइम टेकन बाय ए तो क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वी वेलोसिटी ऑफ ए। अब डिस्टेंस बोलो क्या होगा ए की पूरी जर्नी का, ए पहले यहां से यहां गया तो कितना डिस्टेंस है 100 pi, फिर वो सेमी सर्कल में घूमा तो प्लस पाई इंटू आर ऑफ क्या हो जाएगा बी, आर ऑफ ए, पाई इंटू आर ऑफ ए प्लस, फिर नीचे आया कितना 100 pi डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ए आपको पता है 10। तो अगर आपको वैल्यू निकालने को आ जाए तो आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, 20 आएगा, इसमें सॉल्व करके नहीं आ रहा, म्यू बी आर बी अलग अलग है ना, म्यू बी 0.2 है और आर बी 10 है, ठीक। तो यहां से इस वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो नेक्स्ट मैंने शीट नंबर 11 दी है, ट्राई करके आओगे इसे, 11 है ना, इसके बाद इसको एक बार ट्राई करके फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, मैं एक और शीट लेके आऊंगा नेक्स्ट टाइम। इसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद वर्क एनर्जी पावर एंड कोलिजन्स, तो वो साथ साथ ही चल पड़ेगा, वर्क पावर एनर्जी चल भी रहा है साथ साथ, अब एकदम सिमेट्री में चल पड़ेगा सारा।